हेलो बच्चों, सबको मेरा नमस्कार। तो बच्चों, आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे फिजिक्स। क्लास 12 साइंस के बच्चों सब आ जाए, मेरी क्लास ज्वाइन कर लें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें जितना हो सके। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फोर्स ऑन टू पैरेलल करंट वायर्स। फोर्स ऑन टू पैरेलल करंट वायर्स, फोर्स ऑन टू करंट कैरिंग वायर्स, टू करंट कैरिंग वायर्स। और वायर्स कैसा होना चाहिए? इनफाइनाइटली लॉन्ग, इनफाइनाइटली लॉन्ग। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, पक्का आता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में भी आता है और कंपटीशन एग्जाम में भी प्रश्न आते हैं यहाँ से। फोर्स ऑन टू करंट कैरिंग वायर्स। तो बच्चों, दो करंट कैरिंग वायर्स, एक वायर्स में इनफाइनाइट वायर्स की बात कर रहा हूँ, ये एक वायर्स है जो ये इन्फिनिटी, अब हम ऐसा बनाते हैं इनफाइनाइट वायर्स। एक वायर ऐसा है, ये भी अप टू इन्फिनिटी है, ये भी अप टू इन्फिनिटी है। इसमें से करंट आई वन जा रहा है, इसमें से करंट आई टू जा रहा है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है डी। एक तो ये सिस्टम हो गई और दूसरा सिस्टम हो गया मेरा इनफाइनाइट वायर। ये इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। एक में करंट जा रहा है आई वन, एक में करंट इसके विपरीत जा रहा है आई टू, डिस्टेंसेस। ये दो केस हो सकता है बच्चों, फोर्स ऑन टू करंट कैरिंग वायर्स इनफाइनाइटली लॉन्ग। टू करंट कैरिंग वायर्स, टू करंट कैरिंग वायर्स, एक केस में सेम करंट इन द करंट आई इन द सेम डायरेक्शन, एक करंट भी अपोजिट डायरेक्शन। तो जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी वायर से अगर करंट पास होता है तो वो मैग्नेट बन जाता है। इसका मतलब ये क्या है, मैग्नेट है, ये भी मैग्नेट है, राइट। तो यहाँ मैग्नेट में क्या होते हैं, लाइक पोल्स, लाइक पोल्स क्या करते हैं, रिपेल अनलाइक पोल्स अट्रैक करते हैं। तो यहाँ भी आपका अट्रैक्शन एंड रिपल्सन होता है, क्लियर बच्चों, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन होता है। तो यहाँ इस केस में यहाँ फोर्स ऐसा लगेगा, यहाँ फोर्स ऐसा लगेगा, मतलब ये केस क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, अट्रैक्ट। इस केस में फोर्स ऐसा लगेगा, इस केस में फोर्स ऐसा लगेगा, अभी हम लोग प्रूफ करेंगे। ये रिपेल करेगी, ये रिपेल करेगी। तो अगर सेम डायरेक्शन में करंट है बच्चों, उसको कहते हैं लाइक करंट, लाइक करंट। और अपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो उसको कहते हैं अनलाइक करंट, अनलाइक करंट, अनलाइक। तो लाइक करंट ऑलवेज, ऑलवेज अट्रैक्ट, एंड अनलाइक करंट ऑलवेज रिपेल। प्लीज नोट इट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको अभी हम लोग प्रूफ करेंगे कि कैसे ये अट्रैक्ट करता है या कैसे ये रिपेल करता है, क्लियर। तो इतना जो हमारा बेसिक नॉलेज है वो कहता है कि कोई भी वायर से अगर करंट फ्लो हो रहा है तो वो मैग्नेट बन जाता है। तो यहाँ भी मैग्नेट है, यहाँ भी मैग्नेट है, राइट, दो मैग्नेट है, इसका भी कुछ पोल होगा, इसका भी कुछ पोल होगा। तो श्योर है कि या तो अट्रैक्शन हो रहा है या तो रिपल्सन हो रहा है। तो इसलिए ये हम प्रूफ करेंगे कि अगर सेम डायरेक्शन में करंट है तो वो हमेशा अट्रैक्ट करती है। सेम डायरेक्शन ऑफ करंट को कहते हैं लाइक करंट, लाइक करंट ऑलवेज अट्रैक्ट। और अपोजिट डायरेक्शन में जो करंट होती है उसको कहते हैं अनलाइक करंट, इट अनलाइक करंट ऑलवेज रिपेल। क्लियर बच्चों, तो लेट अस प्रूव इट। मैं फिगर को मिटा रहा हूँ बच्चों,
तो हम प्रूफ करने जा रहे हैं और इसमें एक फार्मूला है उसको भी डेराइव करेंगे। तो आप देखते रहिए, ये आपका वायर है, कॉपी कलम उठा के पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए मेरा, इससे आई वन जा रहा है बच्चों, इससे आई टू जा रहा है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, मैंने पहले लिख दिया है, इट इज इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, दोनों के बीच में डिस्टेंस भी है। मान लेते हैं इसको हम वायर फर्स्ट कहेंगे, इसको वायर सेकंड कहेंगे। तो आप ध्यान से देखेंगे, एक एक करके देखेंगे, पहले इसको कंसीडर करेंगे वायर वन। तो वायर वन से जब करंट फ्लो होगा तो इसके चारों तरफ क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। इसका मतलब वायर नंबर टू जो है ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है। इसी तरह से अगर हम जब इसको कंसीडर करेंगे सेकंड वायर को, तो इसके द्वारा भी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो इसका मतलब फर्स्ट वायर इसके मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है। तो मान लेते हैं इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है वो बी वन है, और इसके द्वारा यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बी टू है। क्लियर? बी वन इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन दिस वायर बाई दिस वायर, एंड बी टू इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन दिस वायर बाई दिस वायर। तो यू शुड नॉट गेट कन्फ्यूज। अब बच्चों हम ये भी जानते हैं कि कोई भी वायर है, कोई भी वायर है, अगर करंट फ्लो हो रही है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टू आई बाई फोर पाई, ये होता है 2/2 से आप इस काट दोगे तो 2πr, म्यू नॉट आई बाई 2πr होता है, या हम ऐसा लिखते हैं म्यू नॉट 2i बाई 4πr। ये कोई भी वायर के द्वारा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला है। इसी तरह से हमने लास्ट वीडियो में इसको भी प्रूफ किया था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है, कोई मैग्नेटिक फील्ड है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम कोई करंट से, कोई वायर से करंट पास करते हैं, कोई वायर से करंट पास करते हैं तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करती है। उस फोर्स का फार्मूला क्या है, एफ इक्वल्स टू आई एल क्रॉस बी, यही तो फार्मूला है, और आई एल बी साइन थीटा, आई एल बी साइन थीटा, एक ये फार्मूला, एक ये फार्मूला, दोनों फार्मूला का बच्चों हम यूज करेंगे। क्लियर? इसमें हम कौन सा डायरेक्शन लगाएंगे, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो क्रॉस लगाते हैं, क्रॉस। क्लियर? और यहाँ कौन सा लगाएंगे, राइट हैंड पाम रूल। ये कंडक्टर कहाँ मोशन करेगा ना, तो करंट ऐसा फ्लो कर रहा है, फील्ड अंदर है, फील्ड अंदर है, करंट ऐसा फ्लो कर रहा है, तो ये कंडक्टर ऐसा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। इज इट क्लियर? इन दोनों फार्मूले को और दोनों नियम को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो मैं इसको भी मिटा देता हूँ, प्लीज नोट कर लेंगे इसको भी आप। Yes. तो हमने फर्स्ट वायर कंसीडर किया, कंसीडर फर्स्ट वायर कंसीडर किया। तो सेकंड वायर जिसको हम कंसीडर करते हैं जब, तो कंसीडर फर्स्ट वायर, सेकंड वायर इज इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट वायर। सेकंड वायर क्या है, इसके मैग्नेटिक फील्ड में फर्स्ट वायर के। तो इसी तरह से देयरफॉर बी वन का मान आ जाएगा, बी वन यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ये आ जाएगा म्यू नॉट टू आई बाई फोर पाई, यहाँ पे डी ए, ये आ जाएगा। और डायरेक्शन क्या होगा इसका, देखिए यहाँ फिंगर रखिए, यहाँ फिंगर रखिए, यहाँ फिंगर अंदर जा रहा है, ये जो फिंगर्स हैं ये अंदर जा रहे हैं, ये करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रख दिया, ये फिंगर्स अंदर जा रहे हैं। तो मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, तो इनसाइड लोकेशन हम बनाते हैं क्रॉस इस तरह से, क्रॉस। आई थिंक यू अंडरस्टैंडिंग, आपको समझ में आ रहा होगा। अब मेरा ये तो वही केस है जो मैंने अभी बताया था कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर
करंट कैरिंग कंडक्टर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करती है, इसका मतलब ये कंडक्टर फोर्स एक्सपीरियंस करेगी ना। तो मान लेते हैं फोर्स एफ, फोर्स ऑन टू ये वायर एक्सपीरियंस करेगी बाई वन, फोर्स ऑन टू बाई वन इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला था, आई एल बी साइन थीटा, आई एल बी साइन थीटा। अब बच्चों थीटा, थीटा यहाँ क्या होगा भाई, फील्ड अंदर है, फील्ड अंदर है और मेरा कंडक्टर ये है राइट, फील्ड अंदर है कंडक्टर डीएल फील्ड के इस तरह ऐसा है तो क्या है 90 डिग्री है ना, ये कंडक्टर ऐसा है फील्ड ऐसा है। आप देखिए ध्यान से, फील्ड ऐसा है, फील्ड इज लाइक दिस एंड कंडक्टर इज लाइक दिस, ये एंगल कितना है 90, तो थीटा इज 90, थीटा इज 90। तो फोर्स ऑन सेकंड वायर बाय फर्स्ट वायर आई एल बी, बी मतलब इसको लिख देंगे म्यू नॉट टू आई, अब मैं यहाँ आई आई लिख रहा हूँ, यू शुड नॉट कंफ्यूज। अब देखिए जैसे मैंने बी वन निकाला था, इसमें आई वन है इसमें आई टू है, मैंने बी वन निकाला था तो बी वन जो मैग्नेटिक फील्ड थी कौन सी करंट की वजह से थी, आई वन की वजह से थी, तो यहाँ आई वन में लगा देता हूँ, क्लियर। वन से गई जो मैंने इसका मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, ये मैग्नेटिक फील्ड बाय व्हिच करंट, बाय आई वन, तो इसलिए फार्मूले में यहाँ मैंने आई वन लिखा। अब ये जो वायर है, ये जो सेकंड वायर है, ये फर्स्ट वायर के मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है, फर्स्ट वायर के राइट, तो मैग्नेटिक फील्ड ये फर्स्ट वायर और करंट इससे I2 फ्लो हो रहा है, तो करंट इज I2, टू नॉट गेट कंफ्यूज, फार्मूला वही लगेगा आई एल बी साइन थीटा, लेकिन कौन किसका है ये आपको थोड़ा सा ध्यान से लगाना है। फर्स्ट वायर के द्वारा यहाँ पे जो फील्ड हो रही है B1, और B1 किस करंट से हो रही है, I1 हो रही है, और सेकंड वायर जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, फील्ड तो इसका है लेकिन करंट इसके पास I2 है, तो I2 L B1 sin theta, तो ये I2 L B1, B1 mu 2 mu 0 to I1 by 4 pi d, ये और sin 91 हो गया, इसको हम थोड़ा बढ़िया से लिख लेते हैं, F21 is equals to mu naught by 4 pi d, mu naught by 4 pi d टू आई वन आई टू मैंने ऐसा लिख दिया। ये बच्चों ये फोर्स हो गई, ये फोर्स हो गई ऑन सेकेंड वायर बाई फर्स्ट वायर, क्लियर, फोर्स ऑन सेकेंड वायर बाई फर्स्ट वायर। अब देखो इनफाइनाइट लेंथ का क्या कॉन्सेप्ट है, अगर हमने वायर को इन्फिनिटी ले लिया है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर ले लिया है, इसका मतलब L इनफाइनाइट होगा, तो अगर L इनफाइनाइट होगा तो फोर्स भी इनफाइनाइट हो जाएगी, तब तो कोई मतलब नहीं रहा राइट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ एक पर्टिकुलर लेंथ कंसिडर कर लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लंबाई को हम L मान लेंगे, L क्लियर, इसी तरह से यहाँ भी यहाँ से यहाँ तक L मान लेंगे, आया समझ में, L अगर हम, क्योंकि मेरा इन्फिनिट इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, अगर हम L की जगह इनफाइनाइट रख देंगे तो फोर्स इनफाइनाइट हो जाएगा एंड दैट विल बी मीनिंगलेस, सो वी कंसीडर ए पर्टिकुलर लेंथ ऑफ द वायर L। अब हम इसको क्या करते हैं, इस L को इसको डिवाइड कर देते हैं, तो दैट इज फोर्स ऑन सेकेंड वायर बाई फर्स्ट वायर पर यूनिट लेंथ हो जाएगा इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टू आई वन आई टू बाई फोर पाई टू, ये हो गया। तो बच्चों ये फोर्स, इसको हम स्मॉल एफ से भी लिखते हैं, स्मॉल एफ टू वन, और डायरेक्टली हम एफ लिखते हैं, प्लीज नोट इट डाउन, एनसीईआरटी में ये सिंबल यूज किया गया है राइट, तो माय मेन फोकस एनसीईआरटी है, तो यू शुड बी वेरी मच क्लियर, स्मॉल एफ टू वन मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसकी वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट टू आई वन आई टू बाई फोर पाई डी, और टू से आप इसको काट सकते हैं तो कहीं भी आपको फार्मूला मिल जाएगा म्यू नॉट आई वन आई टू बाई टू पाई डी, कोई भी फार्मूला आप प्रैक्टिस कर सकते हैं
तो ये फोर्स मिला, अब इसका डायरेक्शन कैसा होगा, डायरेक्शन इस पर हमको डायरेक्शन निकालना है, तो इसमें हम कौन सा राइट हैंड पाम रूल इस्तेमाल करेंगे। राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है, ये फील्ड है, ये करंट है, और ये वाली फोर्स होगी, क्लियर। तो देखो ये अंदर में ये फील्ड है, ये करंट है, मान सकें ये वाली फील्ड है, ये करंट है, तो फोर्स ऐसा होगा, इसके परपेंडिकुलर है, मतलब ये ऐसा फोर्स एक्सपीरियंस करेगी F21 लाइक दैट। ये हो गया डायरेक्शन F21 का, और इसकी मैग्नीट्यूड ये हो गई। अब ठीक इसी तरह से आप इसको करते हैं, इस पर करते हैं, राइट। मैं फिगर को फिर से बना देता हूँ अलग से, अब तो आप समझ ही गए होंगे, राइट। तो मैं फिगर को यहाँ पे बनाता हूँ बेटा, दो बच्चों इसको वीडियो पॉज करके आप उसको बना लेना। अब बच्चों इसी फिगर को मैं आप ही बनाता हूँ यहाँ पे, ये आपके समझने के लिए है। इसमें से क्या करंट फ्लो हो रहा था I1, इसमें से क्या करंट फ्लो हो रहा था I2, क्लियर। अब जैसे मैंने पहले इसको कंसीडर किया था, इसमें हमने फोर्स का मान निकाला, डायरेक्शन निकाला, अब मैं इसको कंसीडर करता हूँ। तो जब इसको कंसीडर करूँगा तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इसके द्वारा होगी B2 के द्वारा, और इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन क्या होगा, आप लगाएंगे डायरेक्शन, देखिए वही राइट हैंड थंब रूल, ये करंट की डायरेक्शन है, और ये फील्ड देखो ऐसा अंदर जाएगा, यहाँ बाहर आएगा, यहाँ बाहर आएगा। फिर वन सेकेंड देखो, ये राइट हैंड थंब रूल लगा रहे हैं, ये अंगूठा को मैं करंट की तरफ रखा, यहाँ फिंगर अंदर गया, और यहाँ घूम घूम के यहाँ बाहर आ गया, मतलब ये यहाँ तो अंदर है फील्ड, यहाँ तो अंदर है, लेकिन यहाँ फील्ड बाहर है। मैं ऐसा बना रहा हूँ डॉट डॉट, ये प्लीज नोट इट डाउन, यहाँ फील्ड बाहर है, क्लियर। अब ये क्या, अब फिर ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो फोर्स का हम कैसे निकालेंगे, फोर्स कैसे निकालेंगे, बाय फ्लेमिंग्स, दैट इज नॉट फ्लेमिंग्स, राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल, तो राइट हैंड पाम रूल लगाइए यहाँ, देखिए ये फील्ड है, ये करंट है, ये फील्ड है, ये करंट है, ये फोर्स होगी, तो लगाइए, देखो ये करंट है, फील्ड बाहर आ रहा है, करंट ऊपर जा रहा है, यानी कि फोर्स मेरा ऐसा लग रहा है, देखो क्लियर, फोर्स ऐसा लग रहा है, इसका मतलब ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगी ये ऐसा करेगी, और इसको हम क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, इसका मतलब अगर हम दोनों को एक साथ बनाएंगे तो ये वायर जो मेरा फोर्स एक्सपीरियंस करेगी लाइक दिस, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। अब मैग्नीट्यूड देखें, दोनों इक्वल है कि नहीं, ये तो पता चल गया कि ऑपोजिट है ना, ये ऑपोजिट है, मतलब एट्रैक्शन हो रही है भाई, दोनों फोर्स ऐसा लगेगा तो वायर क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। अब ये पता करना है कि मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं, तो लेट अस सी। तो पहले यहाँ बात करते हैं, इसके द्वारा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड B2 आ गया, राइट। अब ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू इज इक्वल्स टू क्या होता है, ILB sin थीटा। I मतलब कौन सा करंट, I1, B2 ये है B2, तो B2 का मान क्या होता है, मैं डायरेक्ट मान लिख देता हूँ, म्यू नॉट बाई 4π। B2 कौन सी करंट के द्वारा है, I2 के द्वारा है, तो 2I2 बाई डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस d है बच्चों, मैंने d माना है, d I B L sin थीटा। यहाँ थीटा भी 90 होगा बच्चों, राइट, थीटा विल बी 90, फील्ड ऐसा है, लेंथ ऐसा है, फील्ड इज लाइक दिस, लेंथ इज लाइक दिस, सो एंगल इज 90। तो अल्टीमेटली फिर हम वही इन्फिनिटी तो हम ले नहीं सकते, अगर इन्फिनिटी हो जाएगी तो फोर्स इनफाइनाइट हो जाएगी, इसलिए हम पर यूनिट लेंथ कर लेते हैं। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ F12, मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4πd 2
I1, I2, और इसकी डायरेक्शन मैंने आपको बताई दिया, इसकी डायरेक्शन ऐसा ऐसा होगा। तो देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड लगभग सेम है, लगभग क्या पूरा ही सेम है, इसका मतलब दोनों इक्वल फोर्स लगेगी, दोनों इक्वल फोर्स लगेगी, इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट, इसका मतलब न्यूटन्स का तीसरा नियम लागू हो रहा है। न्यूटन्स थर्ड लॉ इज गुड हियर, इज ट्रू हियर दैट एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो मैं डायरेक्ट ऐसा लिख देता हूँ, दैट इज और F12 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F21। एग्जाम में ये प्रूफ करने आता है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में प्रूफ करने आता है, प्रूफ दैट टू वायर्स ऑलवेज न्यूटन्स, टू वायर्स कैरिंग करेंट वायर्स ऑलवेज न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो आप ये और मैग्नीट्यूड में कैसा लिखेंगे, मैग्नीट्यूड में हम ऐसा लिखते हैं F12 इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ F21 ऐसा लिखते हैं, और कहीं कहीं तो ऐसा प्रूफ करने आता है। प्रूफ दैट F12 प्लस F21 वेक्टर है बच्चों इक्वल्स टू 0। तो ये शुड नॉट कन्फ्यूज, किसी भी फॉर्म में दे सकता है, आखिर वही है आपका। तो आई थिंक आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा, राइट? और रिपल्शन की भी मेथड, आप कैसे रिपेल करेगा, लेट अस सी कैसे रिपेल करेगा, ये तो समझ में आ गया बच्चों, बिठा देता हूँ मैं। अब दूसरा कंडीशन ले लेते हैं, अगर अपोजिट डायरेक्शन में करेंट है तो, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। देखिए बच्चों, ये एक वायर है, इनफाइनाइट हुई है, लॉन्ग है, I1 है, और एक ये वायर है, एक ये वायर है, I2। तो भाई एक 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 कंसीडर करिए, इसके द्वारा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, क्लियर? इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स, मैग्नीट्यूड सेम आएगा, आप फोर्स का डायरेक्शन देखिए, फील्ड अंदर है, करंट ऐसा है, देखिए फील्ड अंदर है, करंट ऐसा है, अंगूठा, तो फोर्स ऐसा लगेगा ना, फोर्स इज लाइक दिस, यहाँ फोर्स ऐसा लगेगा, क्या नाम लेंगे, ये वन था, ये टू था, तो फोर्स ऑन टू जो टू, इसी तरह इसको बात करिए, इसके द्वारा यहाँ पे जो फील्ड होगा, दैट इज करंट ऐसा जा रहा है, तो फील्ड ये फील्ड देखो, ये अंदर, इसके द्वारा यहाँ पे जो फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये भी अंदर जाएगी, तो फील्ड भी अंदर जा रही है, क्लियर? अब फोर्स के कहाँ लगेगी, फील्ड अंदर करंट ये मीन फोर्स इस साइड लगेगी, फील्ड अंदर करंट ये फोर्स ये F11 due to तो जब दो फोर्स ऐसा लगेगा तो वो क्या करेगा, रिपेल, तो यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज, लाइक करंट ऑलवेज अट्रैक्ट अनलाइक करंट ऑलवेज रिपेल, ऑलवेज रिपेल। लेकिन मैग्नेटिक केस में क्या होता है, लाइक पोल क्या करता है, रिपेल, एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट। बच्चों बिल्कुल नोट कर लेना, बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं ना, बहुत कंफ्यूजन का चांस रहता है, तो स्टूडेंट गेट कंफ्यूज हियर, लिखवा दिया कि लाइक पोल तो रिपेल करता है मैग्नेट के केस में, अनलाइक पोल अट्रैक्ट करता है, लेकिन करंट के केस में लाइक करंट मतलब सेम करंट विथ करंट इन द सेम डायरेक्शन ऑलवेज अट्रैक्ट एंड अनलाइक करंट ऑलवेज रिपेल। क्लियर बच्चों? अब इसमें एक सवाल देता हूँ मैं,
एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में ये आता है राइट, और लॉन्ग आंसर लॉन्ग टाइप में इसका डेरिवेशन आता है, और न्यूमेरिकल में स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल्स आ जाता है, फार्मूले पे आप पुट कर देंगे यू विल गेट द आंसर। और जो थोड़ा सा ट्विस्टिंग क्वेश्चन करता है, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको कैसे क्वेश्चन को ट्विस्ट करता है क्वेश्चन, हाँ बच्चों, तो एग्जाम में जो ट्विस्ट करता है वो जानता है कि स्टूडेंट केवल दो वायर के बीच में जानता है, स्टूडेंट खाली इसको पढ़ा है आई वन आई टू ऐसा इसको ये पढ़ा है, तो एग्जाम में क्या करता है एक वायर ऐसा दे दिया जिसमें करंट ऐसा जा रहा है, एक वायर ऐसा दे दिया इसमें करंट ऐसा जा रहा है, एक ऐसा दे दिया इसमें करंट ऐसा जा रहा है, तीन वायर दे दिया। अब स्टूडेंट तो ऐसे कंफ्यूज हो गया, वन टू थ्री मान लेते हैं इसमें टू एम्पियर जा रहा है, इसमें भी टू एम्पियर जा रहा है, इसमें भी टू एम्पियर जा रहा है, तो क्वेश्चन इज फाइंड नेट फोर्स, नेट फोर्स पर यूनिट लेंथ, हाँ पर यूनिट लेंथ, नेट फोर्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ ऑन सेकेंड वायर, सेकेंड वायर ये क्वेश्चन है। तो यहाँ ये बस बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है और कई बार बोर्ड एग्जाम में भी आया है बच्चों ये क्वेश्चन, क्लियर ना, बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आया एनसीईआरटी में दे रखा है एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो बोर्ड एग्जाम में थोड़ा सा ऐसा घुमा देता है क्वेश्चन, तो इसमें आपको घबराने की बात नहीं है। यू सी वेरी सिंपल, आप जान गए कि लाइक करेंट क्या करता है अट्रैक्ट करता है, अनलाइक करेंट क्या करता है रिपेल करता है, बस आप देखो यहाँ पे ये दोनों लाइक करेंट है, इस पर पूछा है अक्सर 20 वाले कहीं पूछता है, इसमें पूछा है ये दोनों लाइक करेंट है तो ये क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे, मतलब तो इसमें एक फोर्स ऐसा लिख दीजिए, फोर्स ऑन टू बाई वन ऐसा लिख दीजिए, और ये दोनों क्या है अनलाइक करेंट है तो ये क्या करेगा रिपेल करेगा, रिपेल करा तो इसमें भी फोर्स ऐसा ही लगेगी, ये फोर्स ऑन दैट इज टू बाई थ्री, फोर्स ऑन टू बाई थ्री और डिस्टेंस आपको दिया रहेगा, तो नेट फोर्स, नेट फोर्स जो नेट फोर्स होगा ऑन टू, हाँ टू पे जो नेट फोर्स होगा फोर्स ऑन टू बाई वन प्लस फोर्स ऑन टू बाई थ्री, क्लियर, फोर्स ऑन टू बाई वन फोर्स ऑन टू बाई थ्री। नाउ एवरीथिंग में भी करेंट भी दिया है, मान लो इसका हमने डिस्टेंस दे देता हूँ सपोज 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है तो डायरेक्ट जो फार्मूला आप पुट करेंगे म्यू नॉट टू आई वन आई टू बाई टू पाई टी राइट, म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता ही है 4π × 10⁻⁷, टू आई वन आई टू दे रखा है आई वन आई टू राइट, टू पाई डी डी का वैल्यू भी दे रखा है, तो प्लीज़ इसको करना ठीक है, करके हमको कमेंट में जरूर भेजना, डू इट एंड गिव आंसर इन माई कमेंट, कमेंट करना इसको। अब बच्चों इसमें से एक सवाल और पूछ देता है, बिठा देता हूँ इसको मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन वन एम्पियर, वन एम्पियर को डिफाइन करिए, तो बस यहाँ आपको क्लियर कर बता देता हूँ मैं, क्लास टेंथ का स्टूडेंट को अगर पूछा जाए व्हाट इज वन एम्पियर, तो क्लास टेन का स्टूडेंट ये जानता है आई इक्वल्स टू क्यू बाई डी, तो वन एम्पियर इक्वल्स टू वन कोलम बाई वन सेकेंड ये जानता है, तो वो कहेगा कि वन कोलम बाई वन सेकेंड वन एम्पियर, क्लियर। लेकिन क्लास ट्वेल्व के बच्चे को अगर वन एम्पियर पूछा जाए तो आपको यहाँ से काम करना है, एफ फोर्स पर यूनिट लेंथ म्यू नॉट बाई फोर बाई डी टू आई वन आई टू, इफ I1 is equals to I2 is equals to 1 ampere and D is equals to 1 meter then F is equals to ये 1 हो गई, इसकी वैल्यू 10⁻⁷ हो गई, तो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। आपको ऐसा डिफाइन करना है अगर दो वायर मेरे पास है, इन दोनों वायर से 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है और डिस्टेंस 1 मीटर है राइट, तो दोनों के बीच में इतना फोर्स लगेगी।
अगर किसी भी दो वायर में, आपको कैसे डिफाइन करेंगे आप, ध्यान से सुनिए, किसी भी दो वायर में जो कि 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखी हो और इतना फोर्स वो एक्सपीरियंस कर रही हो, तब तो पक्का है कि उससे 1 एम्पियर करेंट ही जा रहा है। क्लियर? 1 एम्पियर इज दैट करेंट विच गिव्स अस फोर्स ऑफ दिस मच पर मीटर, 2×10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। इसको आप जब भी डिफाइन पूछे क्लास 12 के स्टैंडर्ड में, तो आपको यहाँ से डिफाइन करना है। आई होप यू एंजॉय माई वीडियो। बच्चों पढ़ते रहिए, हमें डाउट्स कमेंट्स में भेजिए, गिव यू आंसर। ओके, थैंक यू।